Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics, chapter hai hamara 15. Aur topic jo hai discuss karne ja rahe hain, that is Lenz's law and direction of induced EMF. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो था फैराडेज लॉ, ठीक है. इसमें हम डिस्कस करेंगे लेंज़ लॉ फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन, कि हमने ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन के लिए लेंज़ लॉ जो है वो अप्लाई करना कैसे है, या व्हाट इज़ लेंज़ लॉ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ. ये पेज है 88 पे. अब देखें, प्रीवियस टॉपिक में हमने जो फैराडेज लॉ पढ़ा था, फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, के जो ईएमएफ इंड्यूस होगी एक लूप में, जिसके एक कॉइल में जिसके लूप्स अगर एन है, दैट वाज माइनस एन नंबर ऑफ लूप्स टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. हेयर जो माइनस साइन है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. माइनस साइन इज सिग्निफिकेंट, और ये किसके लिए है, माइनस साइन इज सिग्निफिकेंट, और ये फॉर डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ. और ईएमएफ की डायरेक्शंस को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है. यानी माइनस साइन से जो हम इसकी डायरेक्शन, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी माइनस साइन उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. यहाँ पे माइनस साइन दिस एक्सप्रेशन जो मैंने पहले बताया इज़ वेरी सिग्निफिकेंट है, इज हैज़ टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है, या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है, उसको ये क्या करता है, इंडिकेट करता है. इसकी डायरेक्शन को डिस्कवर करने के लिए, जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी इसकी डायरेक्शन को डिस्कवर करने के लिए, हम वो मेथड अप्लाई करेंगे जो मेथड हमको दिया हेनरिच लेंज ने, और 1834 में इसने हेनरिच लेंज ने हमें ये लॉ दिया इन 1834. सिंपल वे में अगर हम बात करें तो उसने क्या कहा कि जो किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी इस तरह होगी कि उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, तो उस करंट की डायरेक्शन जो है, या ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी इस तरह होगी, जो इंड्यूस करंट है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए या थ्रू इट्स मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज द चेंज, उस चेंज को वो अपोज करेगा, दैट काजेज द ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस करने का काज होता है. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि जब भी एक कॉइल को या एक कंडक्टर को आप मूव करवाते हैं थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, उसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. तो उसका एक एंड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक सोर्स ऑफ करंट की तरह बिहेव करेगा, और इसका एक एंड एज अ पॉजिटिव और दूसरा एंड एज अ नेगेटिव. तो इसमें जो पोलैरिटी होगी, या पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, नेगेटिव एंड कौन सा होगा, वो डिसाइड करेगा करंट की डायरेक्शन को. तो जो ईएमएफ है जो इंड्यूस होगी, उसमें जो कंडक्टर है, जो कॉइल्स की जो पोलैरिटी इस तरह होगी कि उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, तो करंट जब फ्लो करेगा कॉइल में से, तो ज़ाहिर उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो क्या होगा, वो इंड्यूस करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से उस चेंज को अपोज करेगा, जो चेंज उस कॉइल में या उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करने का काज बनता है.
ठीक है, ये लॉ जो था, ये रूल था, हेनरिच ने हमें ये दिया, ठीक है। इसको अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में बात करें तो डायरेक्शन ऑफ ड्यूज ग्रांट इज़ ऑलवेज सो, अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि द डायरेक्शन, इसने लेंस ने ईएमएफ की बात नहीं की, उसने बात की है डायरेक्शन ऑफ अनड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ अनड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट, विल बी सच दैट, इस तरह होगी, सच दैट इट विल अपोज, इट विल अपोज द चेंज, जिस चेंज को अपोज करेगा, दैट काज ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड, जो उस कॉइल में उस इसमें इंड्यूस ईएमएफ का क्या बनते हैं, काज बनते हैं, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी इंड्यूस करंट की, वो अपोज करेगा उस चेंज को जो ईएमएफ इंड्यूस करने का क्या बनता है, कॉज बनता है, या इंड्यूस ईएमएफ कह लें या हम काज करंट, जो उसमें इंड्यूस करंट का कॉज बनता है, सिंपल है। अगर ईएमएफ करंट तभी इंड्यूस होगा करंट तभी इंड्यूस होगा जब ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। ये बाय डेफिनेशन इसकी बात कर रहे हैं कि जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि अपने मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर करंट जो है अगर फ्लो करेगा कंडक्टर में से तो उसका कहते मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जब करंट इंड्यूस होगा फ्लो करना शुरू कर देगा उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए वो उस चेंज को अपोज करेगा जो कि ईएमएफ को इंड्यूस करने का कॉज बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक पते की बात है, जो पेज नंबर 89 में फर्स्ट पैराग्राफ में वो बात कर रहा है कि यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया, लेंस ने यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की बात नहीं की, इंड्यूस करंट की बात की है, तो हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं टू क्लोज लूप्स या हम कॉइल्स पे या क्लोज सर्किट्स पे इस लॉ को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम उस लूप में क्लोज लूप में से करंट के इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का पता चल जाएगा, तो उस करंट की डायरेक्शन से हमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन का पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो फ्लो होता है हमारे हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो हम देख लेंगे एंटी क्लॉक वाइज फ्लो है या क्लॉक वाइज है, तो वहाँ से हमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी का आइडिया हो जाएगा, या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ का भी आइडिया हो जाएगा। या अगर सिंपल वर्ड में बात करें कि अगर हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का पता चल जाएगा, तो वहाँ से हमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है उसको लेते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो इंड्यूस करंट है वो कैसे अपोज करता है उस चेंज को जो कि ईएमएफ को क्या करती है, इंड्यूस करती है। इसमें हमने वो पहला ही लेक्चर था हमारा वेज टू इंड्यूस ईएमएफ, उसमें देखें कि हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल के टू एंड्स को हमने जोड़ा हुआ है टू टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। तो हम क्या करें, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है दैट इज़ वो क्या है, टूवर्ड्स या पॉइंटिंग टूवर्ड्स द कॉइल, तो जब हम इसको मूव करवाएंगे फ्राम लेफ्ट राइट, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो बी की वैल्यू है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब फ्लक्स आपने पढ़ा हुआ है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, अगर बी की वैल्यू जो उस पर अमल करे वो बढ़ेगी तो फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस ने क्या कहा था कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। अब इंड्यूस होगी तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करेगा एक पॉइंट जो है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब देखिए जब हम इसको मूव करवाते हैं तो अब जो करंट इंड्यूस हो रहा है इसमें वो ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर, इस
बार मैग्नेट के मोशन की वजह से हो रहा है। तो होगा क्या, तो जब इस पर फ्लक्स चेंज होगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट जो है वो कॉइल में से फ्लो करेगा। आपको पता है जब भी किसी भी कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। तो क्या अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी कि वो इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। मोशन को अपोज कैसे करेगा, अब इसमें राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये इसमें कॉइल में ये करंट की डायरेक्शन होगी। इससे क्या होगा, ये इसका साउथ पोल, राइट फेस क्या होगा कॉइल का, साउथ पोल बन जाएगा, और लेफ्ट जो फेस होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल के तौर पे बिहेव करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ऐसे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉइल के अंदर से जो फील्ड होगा वो होता है साउथ टू नॉर्थ, और कॉइल से बाहर एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ। तो जैसे वो बिल्कुल आपको वो समझाया था, आपने पढ़ा था सोलेनॉइड, सॉरी इधर बनाता हूँ, सोलेनॉइड पढ़ा था। जब इसको नेट का, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अंदर से वो क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ अंदर से ये डायरेक्शन होगी, लेकिन बाहर से वो होगा नॉर्थ टू साउथ, फिर अंदर से, इस तरह एक क्लोज लूप बन जाएगा। इसी तरह कॉइल के अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यानी वो साउथ से नॉर्थ, और फिर बाहर वो क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो क्या होगा, अब इसका ये फेस जो है कॉइल का लेफ्ट फेस नॉर्थ पोल के तौर पर बिहेव करेगा, ये साउथ पोल के। अब जब इसको इसकी तरफ मूव करवाएंगे ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम इस तरफ फोर्स लगाएंगे मूव करवाने के लिए, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी जो कि इस मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो करंट की डायरेक्शन इसमें इस तरह होगी कि वो इसकी ये मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। यही मोशन या यही चेंज जो है वो काज है करंट के इंड्यूस होने का। सिमिलरली अगर हम इसको बैकवर्ड लेके जाएं, दूसरी डायरेक्शन मूव करवाएं, तो फिर क्या होगा, अब फ्लक्स चेंज होगा लेकिन फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ये एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा, ये एज अ नॉर्थ पोल, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। किस वजह से, कि जब इस तरफ जाएंगे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन इसके बजाय ये, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, अब ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल, अब साउथ नॉर्थ को क्या करिए, पीछे को लेके जा रहे हैं, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी पिछली तरफ बैकवर्ड मोशन को क्या करेगा, पोज करेगा, अपनी तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो करंट की जब भी ईएमएफ इंड्यूस करेंगे आप, जो काज है, जो चेंज है जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो करंट की डायरेक्शन कंडक्टर के अंदर ऐसे होगी इंड्यूस करंट की कि वो उस काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। यही क्या है, लेंजेस ला है। इस एग्जांपल से उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये पेज नंबर हमने बात की है 89 पे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे 90 पेज पे, वो हम अगले लेक्चर में ले जाते हैं। पहले आप इसको पढ़ना है आपने, तो वो है कि कैसे ये ला, लेंज़ ला जो है अकॉर्डिंग्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि लेंज़ ला इज़ अकॉर्डिंग्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कि आपको समझ आ गई होगी, आपने इसको रीड आउट करना है, पढ़ना है पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89 पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।